नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर काफ़ी दिन हो गए रीजनिंग पर वीडियो बनाए, तो आज मैंने सोचा कि रीजनिंग पर एक वीडियो बनाया जाए। पूरा दिखेगा 17 से 18 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और सभी टाइप्स के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, सभी कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 11 का जो रिलेशन है वो किससे रिलेशन है, 11 का 121 मतलब 1210 से रिलेशन है, तो इनमें से कौन सा वो रिलेशन है वो आपका ठीक होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका बेसिकली रिलेशन दो तरह से बन सकता है भाई। एक तो 11 का स्क्वायर है और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से कोई सा ऐसा वो बनना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको स्क्वायर करूँ 8, 8, 64 और 64 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ, 610 आना चाहिए। बट ऐसा किसी भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यूज़ हो रहा है कि हम इसका कर रहे हैं स्क्वायर और उसको उसके माइनस वन वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, ठीक है। मतलब कि 11 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 8 के स्क्वायर करना है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 चौका 28 बचा 2, 7 छिंग 42 और 2 44, 448 आ गया। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये वाला यूज हो रहा है। यहाँ पर आपको इसके अंदर बताना है क्लोज का जो रिलेशन है वो इससे है, तो ओपन का रिलेशन किससे होगा। ध्यान देखिए सी का डी जा रहा है, ठीक है, मतलब एक बढ़ रहा है। एल का यहाँ पर एन जा रहा है, मतलब प्लस टू बढ़ रहा है। एल 12 पर ये 14, ओ 15 पर होता है, आर 18 प्लस 3 हो रहा है। एस होता है 19 पर, 19 और 4 23, ठीक है, यहाँ पर ये 5 बढ़ रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो अब आपको इस ऐसे बढ़ाना है, प्लस 1 करना है, 15 से 1 जाना है 16, दैट मीन्स आगे क्या आ जाएगा, पी ओ पी क्यू। उसके बाद क्या आएगा गाइस, देखिए यहाँ से आप कितने बढ़े, एक बढ़े, तो पी क्यू आर कितना आपको एक जाना, कितना जाना होगा, दो और जाना होगा, दोनों में आर है। ई के बात करें तो ई में 3 जाना होगा, 5 और 3 8, दैट मीन्स एच, फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। समझ में आई चीज़ है, बस आपको इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, कौन कितने नंबर पर आता है ईजिली आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। देखिए 20 का 11 से जो रिलेशन है वो 102 का किससे रिलेशन होगा। देखिए 20 को मैंने 2 से डिवाइड किया, प्लस 1 किया, इसमें 11 आ रहा है। इसी तरह से इसको डिवाइड करोगे 51 आएगा, 51 में 1 ऐड करोगे 52 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए फोर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए का जैसे रिलेशन है सी का एल से। देखिए ये 1 पर होता है, ये 10 पर होता है, ये 3 पर होता है, 12 पर होता है, ये 6 पर होता है, ये कितने पर होता है, 15 पर। हमें देखने में मिल रहा है कि 9 9 9 ऐड कर रहे हैं हम, तब जाके आगे वाली संख्या है वो हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, 9 ऐड करने पर संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। यू आपके कितने पर होता है गाइस, 22 नंबर पर, इसके अंदर आप 9 जोड़ोगे कितना जाएगा 31, ठीक है। और 31 की यदि हम बात करें तो 26 के कितने वर्ड बाद यूज हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपको 9 का ही एडिशन है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आगे जब आप ऐड करोगे तो वहां पर आपका जो इसके अंदर आप जोड़ोगे 31 पर कौन आएगा, 5 5 का क्या होता है आपका ई, लेकिन हमें तो ई किसी ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है। जब ई ऑप्शन के अंदर नहीं है दैट मीन्स ये मेथड इसके अंदर काम नहीं कर रहा, तो कोई और मेथड ढूंढना होगा। मेथड क्या है कि देखिए इसमें प्लस टू और प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू प्लस थ्री, ऐसे रिलेशन बन रहा है, ओनली डी ऑप्शन में मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक आपको फाइंड वर्ड लेटर फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी कि इनमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना होगा। देखिए 62 28 38 83 44 71 87, देखिए बिल्कुल दिख रहा है, ये इन आपस में सभी अपोजिट नंबर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें आपका अपोजिट नहीं है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए एस ई पी आर टी, जो भी आपका अल्फाबेटिकली मिलेगा सबसे पहले उसमें आपको यही चेक करना है कि इसकी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए और इनके मध्य जो डिफरेंस है ना वो आपको देखना है। तो डिफरेंस आप कैसे चेक कर पाओगे, ए और सी के मध्य प्लस टू प्लस थ्री का, प्लस टू का मिल रहा है, इसमें देखो इसमें भी आपका प्लस टू का मिल रहा है,
इसमें देखो, इसमें भी आपका ऐसे ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपने देखा कि MNO यहाँ पर प्लस वन का मिल रहा है, दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा गाइस, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है लो चमक गुनगुनाहट प्रकाश यानी ब्लेज ग्लिंट। देखिए ये सभी प्रकाश से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये सभी लाइट से रिलेटेड है, लेकिन गुनगुनाहट है वो हम मनुष्य के द्वारा की जाती है। आगे देखिए 43(6) है, और ये आपको ऐसे दिया हुआ है तो इसके अंदर आपको देखना है कि कैसे कैसे आखिर ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 43 में से आपको एक घटाना है, डिवाइडेड में 7 करना है, कितना जाएगा 42 में से एक गया, 43 में से एक गया 42, 6 से 7 से डिवाइड किया, ऐसे इसी तरह से करना है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेगा, अलग हो जाएगा, बिकॉज 27 में 7 का जो डिवाइडेशन है वो आपका नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है, पी एज इज इक्वल टू क्यू, मतलब पी और क्यू बराबर हैं। आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन में देखना क्या है, सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पर जाना है कि सबसे बड़ा कौन है, और जो तब तक आपको बड़ा है ना वो पकड़े रखना है, तब तक उससे बड़ा कोई और ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा पी और क्यू बराबर हैं, तो इनका तो झंझट ही खत्म है, इनमें से तो बड़ा होने को रहा, पी और क्यू तो आप दोनों ऑप्शन बिल्कुल हटा सकते हैं। अब बात रही आर और एस की, देखिए यहाँ पर हम बात करें R S से छोटा है, दैट मीन्स मैं कहूँ कि S अभी तक बड़ा है। मैंने क्या बोला, S अभी तक बड़ा है, जब तक S को कोई बीट नहीं करेगा ना तो इससे छोटा कोई नहीं हो, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं होगा, ठीक है। तो S बड़ा है, T R से छोटा है, डजेंट मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें तो S से चाहिए, S अभी तक बड़ा है, किंतु P से बड़ा है, पीछे बड़ा रहने दो कोई बात नहीं, तो S आपका अभी भी बड़ा है, दैट मीन्स आपका S ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 10 में दिया हुआ है, ये आपको बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा पूरा, तो देखना है कि हमें यहाँ पर क्या जो यूज़ है वो हो रहा है। देखिए इनका डिफरेंस यूज़ हो रहा है, तो 8 में से 3 गया 5, 9 6 का डिफरेंस 3, 2 और 5 का डिफरेंस भी 3, 2 और 8 का 6, इनका जो भी डिफरेंस है, 3 और 6 का कितना जाएगा 3, 5 और 9 का 6, 12 और 14 का 2, दैट मीन्स 362 इज द राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पर 5 और 4, ये आपको दिया हुआ है, इसका 141, ठीक है, ये कितना हुआ 220, तो यहाँ आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इनके अंदर देखना होगा कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हालांकि डीपली यूज़ होगा, भाई इनका स्क्वायर ऐड करके देख लेना, 25 और आपने 16 ऐड किया, यहाँ पर आपका 6 5 11 2 1 3 और 4 46, ये भी हो सकता था 41, बट 41 नहीं है। अब आपको क्यू करके देख लेना, 5 25 125, और इसका कितना होता है 4 4 16, दैट मीन्स यहाँ पर ये बैठ गया हमारा 25 और 16 141, तो यहाँ पर पहले का क्यू और दूसरे का स्क्वायर ऐसे करके ऐड करना है, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो कौन सा आपका देखिए एक बार कर ही लीजिए, 7 का कितना हो जाएगा 343, और प्लस में 3 का कितना 9, ठीक है, 343 और 9 कितना हो जाएगा 352, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दिया हुआ है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जहवी ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग की वीडियोस में आपको करा रखे हैं किसके, ब्लड रिलेशन के, तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, हमको देखना है कि जो जो इक्वेशन दी हुई है वो हमें चेक करनी है, कौन सी इनमें से इक्वेशन है वो आपकी सही बैठेगी। तो यहाँ पर आप पूरा इसे एनालिसिस करने के बाद कर पाएंगे, मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप डी ऑप्शन डायरेक्ट चेक कीजिएगा और डी ऑप्शन आपका राइट बैठ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको यहाँ पर सीरीज दी हुई है गाइस, तो यहाँ पर सीरीज कैसी सीरीज चल रही, देखिए 8 2 16 2 32 2 64, दैट मीन्स 64 इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं है कि आपको आगे से ही चेक करना हो, भाई कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी यूज होते हैं जिनमें पीछे से भी आपको चेक करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 2 12 30 56 90, इसमें आपको आगे से ही दिया हुआ, तो हम आगे से ही वो करेंगे। देखिए 1 × 2 = 2, अगला देखिए 3 × 4 = 12, 5 × 6 = 13, 7 = 8 56, और 9 = 10 कितना हो जाएगा आपका 90। आगे बात करें तो 11 × 12 कितना, 11 × 12 दैट मीन्स 132 इज़ द राइट आंसर।
समझ में आई चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर आपको इन शब्दों को बताना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ड्स को सेट करना होगा। तो कौन कौन से वर्ड हैं जो आपके पहले आएगा बाद में आएगा। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को दिख रहा है कि एल ई आएगा, क्यों? रीजन बिकॉज ई पहले आता है, बाकी ऑप्शंस को आप उड़ा दीजिएगा। उसके बाद में बात करूं तो 4 नंबर वाला आएगा बिकॉज ऑप्शन से ही दिख रहा है। अब देखिए यहां पर 2 आएगा या 3 आएगा, तो देखिए 2 इसके अंदर ओ के बाद ए है, 3 के अंदर इसमें एन है, तो पहले कौन सा आएगा दोस्तों? बी वाला ऑप्शन, दैट मीन्स 3 पहले आ जाएगा, सॉरी ये आपका 3 पहले आ जाएगा बिकॉज इसमें ओ के बाद ए है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, इनको आपको जमाना होगा, आपको दिया हुआ है चट्टान है, हिल है, माउंटेन है, रेंज है, स्टोन है। तो सबसे पहले आपकी क्या चीज होती है? सबसे पहले आपका छोटा सा टुकड़ा होता है किसका? पत्थर का। पत्थर का टुकड़ा होगा उसी से तो बड़ी चीजें बनेंगी ना, पत्थर के टुकड़े से आपकी क्या बनेंगी? जब पत्थर के टुकड़े मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? चट्टान बनाएंगे छोटी सी, क्या बनाएंगे? चट्टान बनाएंगे, और चट्टान मिलकर एक बड़ी पहाड़ी बना देगी, ठीक है। और जब वो पहाड़ी मिलेगी तो वो एक बड़ा पर्वत बना देगी, और जब पर्वत कई सारे पर्वत मिल जाएंगे तो वो आपकी पर्वतमाला बना देगी, जैसे कि अरावली पर्वतमाला। अपने गांव में पहाड़ है, देखिए आप मान लीजिए मेरा गांव है, इसमें एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर ने मिलकर बनाई एक छोटी सी चट्टान इस तरह की, और ऐसी कई चट्टान मिलकर, ऐसी कई चट्टानों ने मिलकर गांव में बना दिया पहाड़, और वो पहाड़ है पहाड़ी बना दिया, वो धीरे धीरे पर्वत बना दिया उसने पूरा इस श्रृंखला, और धीरे धीरे गुजरात राजस्थान में चलकर अरावली पर्वतमाला का निर्माण कर दिया है। तो इस तरह से आपके जो ये हैं आपको सेट करने होते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।